हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी भी चैनल में यूपी सचिवालय अनुसेवक भर्ती के तहत वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, तो उसमें से अनुसेवक का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या आना है आपका, जीएस और हिंदी। तो जीएस के कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और हिंदी के 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और 2 वीडियो केवल बचे हैं। जी हाँ, यानी कि जो आपका हिंदी का सिलेबस है उसमें केवल 5 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। तो 3 टॉपिक कवर कर लिए गए हैं और 2 टॉपिक के वीडियोस 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जीएस की, तो उसमें से आपके केवल 3 टॉपिक बचे हुए हैं। कौन कौन से? सामान्य विज्ञान, सामान्य भूगोल और सामान्य इतिहास। तो आज से आपके सामान्य इतिहास की वीडियो आपको मिलने शुरू हो गए हैं, जो कि आपके मिलते रहेंगे। लगभग 3 या 4 वीडियो आपके हिस्ट्री के होंगे, जिसमें से पूरी हिस्ट्री आपके लिए कंप्लीट की जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। जी हाँ, कम समय में तैयारी करने का आसान तरीका यही कि आप विगत वर्षों में पूछे गए या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें, पढ़ लें और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटा लें, तो उससे क्या है आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है। तो ये है आपका हिस्ट्री का, जी हाँ, इतिहास का पार्ट 1। और भी वीडियोज़ आपके आगे आएंगे। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर भूगोल का स्टार्ट कीजिए और हिस्ट्री का स्टार्ट कीजिए, तो लीजिए, आप सभी की डिमांड पर हिस्ट्रीज के वीडियो स्टार्ट हो गए हैं, आप लोगों का अपलोड किए जा रहे हैं। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, आप कोई चीज़ सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी किसी टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं देखता रहता हूँ, आप कमेंट पढ़ता रहता हूँ, बस बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि सृजन सिंह जी हैं, हर्ष जी हैं, उमा शंकर जी हैं, निखिल जी हैं, मोहम्मद तलहा अंसारी जी हैं, अमित जी हैं, चक्रधर जी हैं, निखिलेश जी हैं, और क्या है, प्रखर जी, और भी बहुत सारे लोग हैं तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस एंड सपोर्टिंग मी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जी हाँ, हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन काल की इतिहास का बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन है। तो मानव द्वारा सबसे प्रथम प्रयुक्त अनाज था आपका जौ। कौन सा? जौ, बार्ली। ऑप्शन सी आपका सही होगा। जब आप कालखंड के हिसाब से अनाज के पैदावार का क्रम लगाएंगे तो देखेंगे कि आपको लगभग 8000 ईसा पूर्व आपको कहाँ पर, भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में जौ के क्या है आपको प्रूफ मिलेंगे। जी हाँ, जौ के होने की आपको प्रमाण मिलेंगे। अगर बात की जाए जौ के बाद किसका आएगा नंबर, तो आपका जौ के बाद गेहूं का आएगा। किसका? गेहूं का। और तीसरा नंबर आएगा आपका चावल का। तो जौ हो गया फर्स्ट, गेहूं हो गया सेकंड और चावल हो गया आपका थर्ड। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाता है वही आप टिक कर देंगे। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज था जौ। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ पर? मेहरगढ़ से। ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर और करना चाहूँगा कुछ फैक्ट्स कि अगर आपके ऑप्शंस में एग्जाम देने जाते हैं और आपको एक क्वेश्चन मिलता है और वहाँ पर आपका एक नाम और होता है, कौन सा? लहुरा देव। जी हाँ, क्योंकि अभी नवीनतम खोजों में जो प्रमाण मिला है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के, वो मिला है आपका लहुरा देव में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से। अब यहाँ पर आपका लहुरा देव नहीं है, तब आपका हो जाएगा आपका मेहरगढ़, यानी कि ऑप्शन सी। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए, दोनों फैक्ट बता दिए, दोनों अंतर बता दिए। तो आप आपके ऑप्शन क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो उसी के हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, ऑप्शन
चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। तो कहाँ पर है आपका? भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में ये स्थित हैं, गुफाओं के शैल चित्र हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। बढ़ते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से आपका प्राप्त हुआ है आपको बताना है, चार ऑप्शन। अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ में आप बिल्कुल करते हुए चले। तो बुर्ज होम से, कहां से मिले हुए हैं? बुर्ज होम से, ऑप्शन बी आपका सही होगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से यानी कि कब्र से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो जो आपका हड़प्पा है वो आपका संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसका एक्सप्लेनेशन भी शायद जरूरी नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन लेते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो जो आपका विशाल स्नानागार है वो आपका पाया गया है मोहन जोदड़ो से। कहाँ से पाया गया है? मोहन जोदड़ो से, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल आपका कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन हैं आपके पास, तो ऑप्शन ए यानी कि गुजरात में। जी हाँ, लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। आप सभी जानते हैं कि एक फेमस ये बंदरगाह भी रहा है, कौन सा? लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, तो यहीं से आपका हड़प्पा जो सभ्यता है लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेते हैं। आर शब्द इंगित करता है, जो आपका आर शब्द है वो क्या इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको क्या बताना है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? अच्छा, आप सभी जानते हैं कि कितने वेद होते हैं? चार वेद होते हैं। तो उनमें जो सबसे पुराना वेद है वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद, ऑप्शन बी आपका सही होगा। यहाँ पर चारों वेदों के नाम दिए गए हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दसवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस एक वेद में वर्णन है? तो आपका वर्णन है ऑप्शन सी में, अथर्व वेद में। जी हाँ, यानी कि आपसे क्वेश्चन बने कि किस में जादू टोने का या फिर जादुई माया का वर्णन किया गया है, तो वो आपका अथर्व वेद में वर्णन किया गया है। आपको जरूर से पता होना चाहिए, आप उसको भूलेंगे नहीं। तंत्र मंत्र है, वशीकरण है, यह सब इसी में है, अथर्व वेद में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है या फिर किस उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है? तो जो है आपका कठोपनिषद। किसमें? कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन किया गया है, जिसमें आचार्य यम ने
नचिकेता को उपदेश दिया है। क्या दिया है? ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना कभी इसकी मृत्यु होती है, यह अजन्मा नित और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका? कृष्ण यजुर्वेद का, यजुर्वेद का नहीं, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। चलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इम्पॉर्टेंट है। एशिया माइनर स्थित बोगस कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपका अगर बोरियत लग रही तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप कोई चेंज और चाहते हैं वीडियो में तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ, बिना किसी हेजिटेशन के आपको डरना या झिझकना नहीं है, आप अपने सारे व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं 13वां क्वेश्चन। क्या कहता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो कौन सा ग्रंथ है आपका? ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। ऑप्शन सी आपका सही होगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। किसको लिखा है इसने? अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए आपको कि गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं तो आपको पता होना चाहिए रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, आपको पता होना चाहिए सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। जी हाँ, किस में वर्णित है? तृतीय मंडल में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं आपका 14वां क्वेश्चन कौन सा है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से, या फिर मुंडक उपनिषद से। जी हाँ, सत्यमेव शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मंडूकोपनिषद। जी हाँ, नाम आपको क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। क्या है राज्य चिन्ह आपका? अशोक चिन्ह। क्या है? अशोक चिन्ह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। तो जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ता था उस अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका और सही होगा। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? क्या है क्वेश्चन? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि स्वर्गवास कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर? कुशीनगर में। अभी आपका एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो चलिए कुछ बातें जान लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महापरिनिर्वाण अगर पूछा जाता है जो आपका क्वेश्चन में है तो आपका कुशीनगर में होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली एवं कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोसल राज्य में हुआ था। जी हाँ, और मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आपका कुशीनगर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? चार ऑप्शन हैं आपके पास, आपको जरूर से
पता होना चाहिए, इससे कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो कहां पर दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्र को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त के बाद ही ये बुद्ध कहलाए, ठीक है ना। और बुद्ध कहाँ पर, इनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? सारनाथ। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस काल को या उस टाइम को क्या नाम दे दिया गया? धर्मचक्र प्रवर्तन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो आपका कौन सा नगर था जहां पर प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट त्रिपिटक क्या है? क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका? त्रिपिटक क्या है? तो यहां पर देख लेते हैं त्रिपिटक क्या है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या होता है त्रिपिटक? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी कि बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए उनको संकलित करके एक जगह रखा गया और उसको नाम दे दिया गया त्रिपिटक। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इनको त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनयपिटक। विनयपिटक यानी कि क्या होता है? विनयपिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सुत्तपिटक धार्मिक सिद्धांत होते हैं, और अभिधम्म पिटक ये होते हैं दार्शनिक सिद्धांत। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 20वां है, सॉरी क्वेश्चन 20वां है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी कुमार गुप्त। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे आपके? कुमार गुप्त इसके संस्थापक थे। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जी हाँ, किन्होंने जैन धर्म की स्थापना की? तो ऋषभदेव ने। कौन सा ऑप्शन? बी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं, और महावीर स्वामी को क्या है, किस क्रम के हैं? तो वो 24वें तीर्थंकर हैं जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। तो अगर ऋषभदेव का नाम आ जाता है तो ये पहले होंगे, और अगर महावीर जी का नाम आता है तो ये 24वें होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जो महावीर का प्रथम अनुयायी था वो उनका ही दामाद था। क्या नाम था? जमाली, जी हाँ, ये इनके दामाद थे, यानी कि इनकी पुत्री का विवाह हुआ था किसके साथ? जमाली का। तो यही इनके प्रथम अनुयायी भी बन गए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नैनार कौन थे? तो नैनार कौन थे आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके सैव। कौन थे? ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सैव। ऑप्शन ए आपका सही हुआ। सैव से क्या मतलब है? यानी कि शिव के उपासक। किसकी उपासना करते थे, किसके कौन से धर्म अनुयायी थे? तो ये सैव शिव के उपासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। क्या नाम था? अवंतिका। किसका? उज्जैन का। आपको पता होना चाहिए कि उज्जैन में आपका कुंभ मेला भी लगता है, और उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यानी कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने प्रथम भारतीय साम्राज्य को एक पहचान दी और उसकी स्थापना भी उसी के द्वारा की गई?
तो उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के, नाम कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य में किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन? कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान था। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो अन्य नामों से भी विख्यात है। जी हाँ, अगर पूछ दिया जाए कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तो ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? यानी आपको साल आपको ईयर बताना है, तो वो ईयर है आपका 305 ईसा पूर्व। यानी कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का जब युद्ध हुआ तो कब हुआ? तो 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। कि कौन से स्तंभ का निर्माण? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसके द्वारा? तो अशोक महान के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। जो आप पढ़ते हैं ना कि अशोक का सारनाथ स्तंभ, जहां से हमारा राजकीय चिन्ह लिया गया है, तो उन्होंने ही क्या किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। यहाँ पर किया था से यहाँ पर तात्पर्य क्या है? कराया था। तो ऑप्शन में जो भी आपका सही हो, वो आपको बिल्कुल से जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो उसी को आपसे सही कर देना है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसवां, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। जी हाँ, आपको बताना है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो प्राकृतिक भाषा में उसके शिलालेख मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों का विभाजन तीन वर्गों में किया जा सकता है। कौन से? एक नंबर शिलालेख, दूसरा नंबर स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जैसे कि आपका सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुडी, सोपारा, इन जगहों से आपके प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 31वां, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो ऑप्शन अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देव नाम पीय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। जी हाँ, बाद में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीप वंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। जी हाँ, इन्हें पढ़ा तो, लेकिन उनको क्या है, कंफ्यूजन हो गया। बाद में ये क्लियर हो पाया कि आखिरकार ये जो शिलालेख हैं ये किससे संबंधित हैं, तो ये अशोक से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपका कम वीडियोज़ में ही आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, अच्छी तरीके से आपका टॉपिक कवर हो जाए। तो इसलिए अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसको पॉज करके दो बार में भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक बार में ही पूरा देख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करें, है ना। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो जब आपका कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उसका वर्णन किस शिलालेख में दिया गया है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा, शिलालेख 30।
जी हाँ, अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। चलिए, तो ये जो शिलालेख था उसमें अपने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा और अपना दुख और पश्चाताप को व्यक्त किया था। तो ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 33वां, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे मेगस्थनीज, वो किसके दरबार में आए थे? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने, है ना, आपको कमेंट करके बताना है। और मेगस्थनीज का एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, क्या है, इंडिका। जी हाँ, पूछ दिया जाता है कि उसकी रचना किसने की, कविता किताब का क्या नाम है मेगस्थनीज की, तो उसका नाम है इंडिका। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया, इंडिका का मूल लेखक था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन था, मेगस्थनीज, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भाग एवं बलि थे। जी हाँ, तो ये नाम आप कुछ लोग पहली बार सुनेंगे और कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये भाग और बलि क्या है, प्राचीन काल में राजस्व के स्रोत थे। जी हाँ, सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ रेवेन्यू। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था, इस कर को भाग कहते थे, और इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। तो दोनों ही राजस्व के स्रोत थे, भाग एवं बलि। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? जी हाँ, आपके पास सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, प्रोहिबिट्स। तो ऑप्शन बी मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। जी हाँ, जब मनुस्मृति का अध्ययन किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि पुनर्विवाह को इसमें वर्जित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 37वां, अंतिम मौर्य सम्राट था। जी हाँ, जब चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ, फिर उसके चंद्रगुप्त का नाती हुआ जो कि अशोक था, तो बहुत ही उस समय चरम पर रहा मौर्य साम्राज्य, लेकिन अंतिम समय आते आते काफ़ी उसका पतन हो गया, गिर गया। तो अंतिम जो सम्राट था वो कौन था, वो था आपका बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। ऑप्शन ऑप्शन में शक संवत कब प्रारंभ किया गया, 38 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, शक संवत आपका कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, 78 ईसा पूर्व शक संवत प्रारंभ किया गया। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135-57=78 ईस्वी आती है। इस तरीके से यानी कि आप कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि शक संवत को प्रवर्तक किसका माना जाता है, तो कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना जाता है, किसे, शक संवत को। और कब से प्रारंभ किया गया, 78 ईसा पूर्व से 78 ईस्वी से। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था आपका, सातवाहन। जी हाँ, कौन सा, सातवाहन, ऑप्शन डी आपका जो है सही होगा, कौन सा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। सातवाहन वंश सबसे पुराना वंश है। इस वंश के संस्थापक सिमुक कौन है, इसका संस्थापक सिमुक ने संभवतः ईसा पूर्व प्रथम सदी के द्वितीयार्ध में शासन किया, और उसका शासनकाल 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो आपको इसका संस्थापक पता चल गया, और निम्नलिखित जितने भी राजवंश हैं उनमें से सातवाहन आपका सबसे प्राचीन राजवंश है। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। इतिहासकार विंसेंट
स्मिथ ने, किसने, विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन सा था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका जरूर से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहां पर वर्णन है ये? मेहरौली लेक के अनुसार, है ना। उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी कराई थी। चलिए 42वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? क्या जारी किए? कॉइन्स को जारी किया और सिक्कों, कॉइन यानी कि सिक्कों को जारी किया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्कों को जारी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन आपका? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक किसको माना जाता है? पतंजलि। जी हाँ, बहुत से प्रोडक्ट आप खरीदते भी होंगे, है ना, कुछ लोग उसको यूज भी करते होंगे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके पतंजलि, ही ना, है ना। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन आपको प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जरूर से याद रखना है, पूछा जाता है ना। न्याय दर्शन को, किसको? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन बी गौतम ने, किसने? गौतम ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? किसके? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। जी हाँ, बहुत ज्यादा पूछा जाता है शंकराचार्य किसके संस्थापक थे, तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे शंकराचार्य ने। प्रस्थान त्रय का समर्थन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जी हाँ, जो चीनी यात्री कौन है आपका? ह्वेनसांग। जब ये भारत आया तो इसने अपना समय अपना अध्ययन अध्यापन में भी गुजारा, यानी कि पहले उसने यहीं पर अध्ययन किया और यहीं पर भी बाद में इसने अपनी सेवाएं भी दी, यानी कि अपनी पढ़ाई भी यहीं पर इसने अपनी पूरी की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा, नालंदा में। कहाँ पर? नालंदा में आपकी इसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? यानी कि क्या मतलब है इसका, किस राजवंश ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया? तो चंदेल शासकों ने, किसने? चंदेल राजवंश ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया, ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा नंबर? ऑप्शन सी आपका सही होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बयान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 1950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम। कौन? कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट करके बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है आपका? चार ऑप्शन है आपके पास, आपको ऑप्शन है डी, किसको? राष्ट्रकूटों को जाता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। और बात की जाए कि अगर आपका एलिफेंटा कहां पर स्थित है, तो बंबई से समुद्र से 7 मील उत्तर पूर्व स्थित एक द्वीप है। तो यहीं पर आपका राष्ट्रकूट शासकों द्वारा गुफा मंदिरों का निर्माण कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, 49 नंबर, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलाकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, यानी कहां पर इन तीनों धर्मों की रचनाएं देखने को मिलती हैं? तो कहां पर? अजंता और एलोरा में। अगर उसमें भी बात की जाए तो एलोरा की गुफाओं में हिंदू
बौद्ध और जैन शिलाकृत गुहाएं देखने को मिलती हैं। तीनों धर्मों की रचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 51 नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन पहला आपका सही होगा। पुरी स्थित, कहाँ पर है आपका? ये पुरी में है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। कब है? 13वीं शताब्दी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर आपका स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 53 नंबर, जी हाँ 53 नंबर। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या वीडियो लंबा लग रहा है। अगर लंबा लग रहा है तो अगली बार आप कमेंट करिए, मैं वीडियो के लेंथ को छोटा कर दूंगा। फिर आपके लिए नंबर ऑफ वीडियोस, जी हाँ, यानी कि वीडियो की संख्याएं बढ़ जाएंगी। तो आप जैसा आपकी मर्जी हो आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो इसका भी निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित जड़ों में से किसका सुमेल है? जी हाँ, अलग अलग सूची दी गई हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, आपको बताना है। और बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसमें कौन सा सुमेलित है, यानी कि किसका निर्माण किसने कराया? तो जो खजुराहो का मंदिर है वो किसने बनाया था? चंदेलों ने। अभी हमने आगे डिस्कस भी किया क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी आपका सही है, बाकी गलत मैच हैं। कुछ डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। और खजुराहो मंदिर की मैंने आपको बताया दिया कि चंदेलों की स्थापना की है, चंदेलों द्वारा स्थापना कराई गई है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा तथा महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। चलिए आगे लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए आपका चोल वंश। जी हाँ, चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। जब दक्षिण भारत के आप इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर चोल वंश के बारे में भी आप पढ़ते हैं। तो उसमें से आपका जब क्वेश्चन बनता है नौसैनिक शक्तियों के लिए कौन फेमस था, तो आपका चोल वंश बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। यहाँ इनके पास संगठित सेना भी थी, इन्होंने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण भी किया था जिसमें से लगभग 150,000 सैनिक थे, जिसमें से कि आपके घोड़े, गज, पैदल सैनिक भी शामिल थे और नौसेना तो थी ही। आगे बढ़ते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, तो ये है आपका मदुरई में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पर है? मदुरई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन से? बहुत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है मुद्रा राक्षस का लेखक, तो ये कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन? विशाख दत्त हैं आपके मुद्रा राक्षस के लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है। तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके पाणिनी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। याद रखना है, भूलना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है ना। नेक्स्ट है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं आपके जयदेव। ऑप्शन ए आपका सही होगा। यानी कि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं एक तरीके से,
गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। तो जब हम गोविंद यानी कि भगवान श्री कृष्ण, तो जब हम श्री कृष्ण की किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो क्या है, एक तो देव हो जाते हैं। जी हाँ, भगवान को हम दूसरा पर्यायवाची क्या कह सकते हैं, देव हैं, वो देवता हैं। तो ये किस तरह से, और जब उस देवता की पूजा की जाती है तो हम जयकारा लगाते हैं, उसके लिए हम जय जय बोलते हैं उनके लिए, है ना। तो इस तरीके से आप गीत गोविंद यानी कि भगवान के लिए गीत गा रहे हैं, भगवान देव आ गया और गीत कैसे गा रहे हैं, जय जय का नाम ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट करके इनका नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, यानी कि किस जगह का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी मैंने जो पहले दो तीन रचनाएं बताई उनमें से एक रचना आपको जरूर से पता होनी चाहिए, कौन सी, राज तरंगणी। उसको किसने लिखा, कल्लड़, किसने, कल्लड़ ने। तो आपसे पूछा जाए अगर कि राज तरंगणी के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कल्लड़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। तो किसने की थी, धर्मपाल ने, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा लंबा खींचते नहीं है, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, नाग भट्ट प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महोदया किसका पुराना नाम है। जी हाँ, कौन सा, महोदया किसका पुराना नाम है। तो कन्नौज का, किसका, कन्नौज का पुराना नाम महोदया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो के लेखक, चंद बरदाई कौन है, चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है भास्कर को, किसे, भास्कर को, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए कंबन, कौन सा, कंबन, कंबल नहीं कर देना यहाँ पे कि जो आप सर्दियों में ओढ़ते हैं, कंबल नहीं, कंबन, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का। जी हाँ, तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है तोलकाप्पियम, ऑप्शन बी आपका सही होगा, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, अभी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया, चोल वंश, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, कहाँ, सॉरी राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रसिद्ध वीरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध वीरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में, कहां पर, कोनेरू हम्पी में स्थित, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया, अभी हम लोगों ने आगे डिस्कस किया किसने बनवाया, चंदेलो ने बनवाया, ऑप्शन डी आपको सही होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताएं, आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। आपके 2 से 3 वीडियो और आएंगे हिस्ट्री के लिए के, और हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से जियोग्राफी और इसी तरीके से साइंस आ गई, आपको टेंशन नहीं लेना, एग्जाम के पहले आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर के उनको भी देख लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।